till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no. तो अस्सलाम वालेकुम कहते हैं आप सबको। तो कैसे हैं आप सब लिसनर्स? उम्मीद करता हूँ जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज पहुंचे सब साथ खैरियत होंगे, फिट पैर जबरदस्त होंगे और मजे से हमारा ये शो एंजॉय करेंगे। मैं हूँ आपका होस्ट मुबशिर हुसैन और आप सुन रहे हैं गॉसिप। आपका हमारा साथ रहेगा 10 to 11 PM। ये नए टाइमिंग है हमारा, एक घंटे का शो करेंगे यहाँ पर इस आवाज की दुनिया में, जिसमें हम करेंगे आपके साथ ढेर सारी गुफ्तगू, ढेर सारी गॉसिप, ढेर सारे सवालात पूछेंगे और कुछ करेंगे खट्टे मीठे टकराव अपने होस्ट के साथ, जिसके साथ मौजूद है हमारे साथ मिस तुमको फटाफट से ऐड कर लेते हैं। तो वेलकम कहते हैं मिश आपको एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक्स फॉर योर वेलकम। पूछने की जरूरत नहीं है मैं कैसी हूँ, आई एम वेरी ब्यूटीफुल बता देती हूँ। एंड आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड एंड फिट एंड फाइन। आज देखिए मुझे क्या हुआ कि मैंने टाइम वही पुराना बता दिया कि 11 to 11:30 PM, जबकि ऐसा नहीं है, हम शो करेंगे 10 to 11 PM। एक घंटे का पूरा शो करेंगे आप लोगों के साथ इस आवाज की दुनिया में। एंड आप कैसे हैं लिसनर्स? आप भी अपनी तबीयत के बारे में कमेंट्स में बता सकते हैं। वैसे मेरी तो बहुत खराब है, सब मेरी आयादत करने आए लेकिन खुदा के लिए खाली हाथ ना आए। अच्छा कुछ लेते हुए हैं, ओके। तो क्या हुआ मिश आपको? उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगी। जी बिल्कुल मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी सी सर्दी की मेहरबानियाँ हैं। कल भी मैंने बताया था और आज भी वही सब है, बस बाकी तो सब चीज़ ठीक है अल्लाह का शुक्र है। लेकिन फिर मैं दोबारा से कहना चाहूँगी कि कोई भी अगर मेरी तबीयत पूछने के लिए आना चाहता है तो वो पहले तो घर ढूंढ ले, और फिर दूसरी चीज़ ये कि खाली हाथ ना आए अल्लाह के लिए। ओके तो आपके लिए एक दुआ है कि अल्लाह ताला आपको सर्दियाँ याद करे, क्योंकि सर्दियाँ स्टार्टिंग है तो लोग बीमार पड़ते हैं। तो प्लीज अपने ख्याल रखें हमारे लिसनर्स। और बता चलूँ कि हमारे शो में शामिल होने के दो तरीके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप कमेंट्स करके अपने मौजूदगी का एहसास दिला सकते हैं। सेकेंड हम कमेंट्स में एक लिंक पिन करेंगे जिस पर क्लिक करके हम शो को लाइव ज्वाइन कर सकते हैं, कर सकते हैं हमारे साथ ढेर सारी गुफ्तगु वो भी लाइव, और कर सकते हैं अपनी दो बोल पेश, अपनी आवाज़ को यहाँ पहुँचा सकते हैं। किसी को कुछ चीज़ डेडिकेट करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, ताकि आपकी कोई पैगाम, आपका कोई अल्फाज वहां तक पहुंच सके जहां तक आप पहुंचाना चाहते हैं। तो इसी अपने शो का आगाज करते हैं। जी मिस भाई कल के सवाल का जवाब देते चले इन लोगों को। कल का जो सवाल था जो मैंने पूछा था कल इन लोगों से कि वो क्या चीज है जो आप खाने के लिए खरीदते हैं मगर उसे खाते नहीं है, तो उसका जवाब था प्लेट। जी आप प्लेट को खाने के लिए खरीदते हैं पर उसे खाते नहीं है। और एक और सवाल मैंने पूछा था जमीन और आसमान के दरमियान क्या है, तो जमीन और आसमान के दरमियान फासला है। ये तो जनरल नॉलेज का क्वेश्चन का जवाब, जी जमीन और आसमान के दरमियान फासला है, इसका जवाब करेक्ट ये था। तो बिल्कुल जी जी, तो इसके साथ साथ पहले पिछले की जानी बढ़ा जाए मिस बच्चे के लिए आप। बिल्कुल बिल्कुल कुछ अगर कहना चाहेंगे तो मिस बच्चे कह सकती हैं आप, कुछ कहना चाह रही थी आप मिश? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मैं यही कहने वाली थी कि नेक्स्ट पिक्चर की जानी बढ़ा जाए। ओके। जो कि हमारी फर्स्ट पिक्चर भी होगी, नेक्स्ट नहीं होगी। ओके तो बढ़ते हैं अपनी पिक्चर्स की जाने भी, पिक्चर्स क्या कहती है जरा देखते हैं। तो लिसनर्स किससे मुलाजम फरमाएं और फिर चलते हैं अपने कमेंट्स की जानिब। जी ये रिपीट मैंने शेयर कर दी। हमजा किधर है? आ गया हूँ घर के बाहर खड़ा 15 मिनट से। भाई 20 मिनट से तो मैं भी बाहर खड़ा हूँ। अच्छा चल 5 मिनट रुकाता हूँ, चल ठीक है मैं भी घर से निकलता हूँ। दी बॉयज यार ये तो होता है, इस पे आप मान ले कि होता है। शो गई थी ना पिक्चर आई थिंक आप, तो ये देख लें फिर आप कहते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, कितने बड़े झूठे होते हैं आप लोग।
बस हम पहुंचने वाले हैं, यकीन करो अभी हम लोग उसको उस टाइम सो के बिस्तर से उठ रहे होते हैं और उसको कहते हैं बस 5 मिनट में पहुंच रहे हैं, तो बस तेरे घर के पास ही है, बस पिछले गली में तेरे घर आ रहे हैं। 5 मिनट और लड़कियों के 5 मिनट का मजाक उड़ाया जा रहा होता है ना, एक मीम में था कि देखो हमारे 5 मिनट फिर भी समझ में आता है कम से कम, बिल्कुल इसी बात पर एक मीम मैंने देखी थी, उसमें एक खावंद होता है, उसके हाथ में एक छोटा सा बच्चा होता है, तो वो अपनी उसकी वाइफ के आके जाते हैं, उसको आप इसे पकड़े में बस 5 मिनट में रेडी होके आई। नीचे दूसरी पिक्चर में उसी खावंद के गोद में ना एक बिल्कुल 19-20 साल का जवान लड़का होता है और वो अपनी बीवी का इंतजार कर रहा होता है कि वो अभी तक नहीं आया, तो बच्चा बड़ा हो गया है, बीवी के 5 मिनट खत्म नहीं हुए और अपने 5 मिनट पे गौर करें जरा, और अपने 5 मिनट पे गौर नहीं करते आप लोग। इसी साल कमेंट की जानी चलते हैं, क्यूट एंजल कहती है कि हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू, तो वालेकुम अस्सलाम कहते हैं क्यूट एंजल आप तो, और कह रही है कैसे हैं आप दोनों, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फिट एंड फाइन टीम इस्लाम। हाँ बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक, एंजल आप कैसी हैं एंड कैसी तबीयत है आपकी, आप कैसी हैं और कैसी तबीयत है आपकी, तो इसी के साथ मैं एक लिंक शेयर, अच्छा एक एक बार में सुन लेती हैं वो, वैसे मेरी बात रिपीट की ना आपने, वो एक बार में भी सुन लेती हैं शायद समझ नहीं, नहीं हम दोनों की तरफ से हम दोनों नहीं अपने लिसनर्स से पूछ लिया ना, ऐसा नहीं कि लिसनर्स कह नहीं थोड़ा ख्याल रखती हैं, मुशीर हो साहब बिल्कुल एटीट्यूड में रहते हैं, हमें पूछते भी नहीं ऐसा ना हो ना, तो इसी के साथ साथ मैं कमेंट में एक लिंक पिन करने चल रहा हूं, चलता हूं और ये मैंने कमेंट्स में एक लिंक पिन कर दिया जिस पे आप क्लिक करके हमारे साथ लाइव शो में शामिल हो सकते हैं और कर सकते हैं हमारे साथ ढेर सारी गॉसिप्स, वो भी लाइव जी, और अपने दो बोल किसी को भी डेडिकेट करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। तो मिसबा और पिक्चर्स की जानिब चला जाए या आप कुछ सवाल लेके आइए जी, आज आपसे पूछ लेते कोई सवाल है आपके, क्योंकि मिसबा के सवाल तो कोई जवाब नहीं दे पाता उन सवालात के ना, बट नहीं पहले आप पिक्चर शो करें उसके बाद मैं अपने रैपिड फायर स्टार्ट करूंगी आपके साथ। तो मैंने पिन भी कर दिया है साथ साथ लिंक को और मैं चलता हूँ अपनी पिक्चर की जानिब जी, तो पिक्चर क्या कहती है और हमारी पब्लिक क्या कहती है, दिखाया जाए क्या कहती है पब्लिक, शो किया जाए पिक्चर, पब्लिक सुन फ्लैट कहती है शो ही कर दे भाई। तो इसी के साथ साथ बढ़ते अपनी पिक्चर की जानिब, पिक्चर क्या कहती है, कभी कभी आंसू किसी अनजानी सी तकलीफ में बहते रहते हैं और इंसानी और इंसान चाह कर भी इन आंसुओं के बहने की वजह नहीं ढूंढ पाता, ऐसे गुमनाम तकलीफें इतनी शदीद होती हैं कि पैरों रोक कर भी लगता है कि वो दुख अभी भी कहीं अंदर अटका हुआ है। ये मिसबा का, ये मिसबा ने शेयर किया था, मिसबा इसमें फनी क्या था, ये आपका दाई थी बिल्कुल, ये एक सीरियस पिक्चर थी बट जिस दुख के बारे में बात हो रही है ना वो बदला लिया अपना, तारीफ रकम की जाएगी कि आज आपके साथ भी प्रैंक हुआ, प्रैंक हो गया जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो बढ़ते अपनी नेक्स्ट पिक्चर की जाने जी, और मिस की कलेक्शन थोड़ी सी साइड में रखते जी, तो ये नहीं वो जब फेक थी, इसका ये मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल ही एतबार ना करें मेहमान। अच्छा 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 ये मैंने शेयर कर दिया आई थिंक पहले भी, ओके नहीं की, नहीं 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 ये मैंने शेयर कर दिया, चलिए ये शेयर करता हूँ मैं आप लोगों के साथ, आप लोगों को जवाब देना है इसका ठीक है, और ये आगे भी शो करता चलूंगा कि आपको इसका जवाब देना है कि क्या है, क्या तो कोई बता सकता है ये कौन से सूबे से ताल्लुक रखते हैं जी, जरा देख लें, शलवार नहीं गुब्बारे वे वे कराची 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 के लोग ऐसे नहीं पहनते भाई, कोई बता सकता है ये कौन से सूबे से ताल्लुक रखते हैं जी, बता सकते हैं आप कमेंट, ये लोग
बिल्कुल, ये लोग समंदर में डुबकियां लगाए ना, तो ये समंदर की तह में ही ना जाए, मतलब ये 15-20 दिन तक तो ऐसे ही तैरते रहे बगैर किसी मशक्कत के। इनके पास खुद ही का अपना लाइफ गार्ड है, क्यों मिसबा? लाइफ गार्ड इनके पास बिल्कुल। पहले से मौजूद है। और ये कराची की और नहीं, अक्सर कराची के जो लड़के होते हैं वो शलवार भी नहीं पहनते हैं, आई थिंक अब तो ज्यादा लोग ट्राउजर पहनते हैं। जी, खड़ा पजामा जिसे आप कहते हैं। मे बी ये कराची की पुरानी पिक्चर हो, और ये लोग इतना, मतलब 3-4 भाइयों के जो कपड़े होते हैं ना, उनसे ये सिर्फ नहीं, एक बार मैंने कपड़े नंबर प्लेट बनवाते हैं देखा, जो आप देख रहे 2019 का नंबर प्लेट है, सॉरी, तो इतनी पुरानी नहीं है। हो सकता है, बट ये कराची का ही है। ये मुझसे लिखवा ले आप नहीं, कि कराची इन्होंने बस के लिए। साबित करना है कि बस ये कराची के हैं। चले बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट म्यूजिक की बिल्कुल जाने, वरना मिसबा के रैपिड फायर स्टार्ट हो जाएंगे। तो जी, नेक्स्ट पिक्चर की जाने, नेक्स्ट पिक्चर क्या कहती है हमें? नेक्स्ट पिक्चर कुछ यूं कहती है, जी फुफ्फो बेटा और कितना पढ़ोगी? मैं, मिसबा कहती है, जब तक आपके बेटे की शादी नहीं हो जाती। कौन कौन ऐसा कर रहा है, कौन कौन ऐसा कर रहा है? हमारे साथ मौजूद है हमारी प्यारी से लिसनर्स क्यूट एंजल, दोनों को शामिल करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम कहते हैं क्यूट एंजल, आप कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, फिट एंड फाइन, जबरदस्त। क्यों लेकिन आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही थी। हाँ जी, बस पता नहीं, फाइनली आज मेरा माइक ब्राउजर ने ऑन कर दिया। कैसी हो हाय, मिश आप? मैं बहुत खूबसूरत नहीं हूँ? नाम लिया मैंने, मैंने कहा या अल्लाह, आज मैं कोशिश दोबारा कर रही हूँ, मेरा माइक ऑफ हो जाए और हो गया। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इसी के साथ आप पूछना चाहेंगे कोई वर्ड्स, कोई अल्फाज, कुछ कोई चीज किसी को आप डेडिकेट करना चाहें? जी हाँ जी, अल्फाज तो मतलब क्या कहूँ, जिनको डेडिकेट करना है वो यहाँ है नहीं, बट अच्छा। मैं फिर भी डेडिकेट करना चाहूँगी कि वो बाद में देख लें। मैं डेडिकेट करना चाहूँगी अपने सावन को। जी। तो उन्हें मैं कहना चाहूँगी कि वी मिस यू अलॉट, मैं भी और मिश भी और हो साहब भी आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, तो आप आए यहाँ पे और अपनी प्यारी सी मधुर सी आवाज़ हमें सुनाए। बिल्कुल, तो जो भी संबंध है। एक सेकंड किटेंजल, मैं चाहूंगी आज ये राज रिवील हो ही जाए कि वो समवन है कौन, हु इज द लकी वन एंड व्हाट। तो एंजल जरा ये ना पूछ ले, हेमेश आपके भी कौन से समवन है? चलो आज दोनों अपने समवन रिवील करो। चलो जी, आज और काम नहीं करना, मैं अपने समवन रिवील हो जाएंगे इंशाल्लाह। रिवील करने से पहले आसिफ हुसैन के कुछ कमेंट्स आ रहे हैं। आसिफ हुसैन कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। आसिफ हुसैन कहते हैं कैसे हैं आप? और आसिफ हुसैन कहते हैं आई एम जिम, ओके, कसरत हो रही है जनाब। और कह रहे हैं सॉरी फॉर लेट, इट्स ओके आसिफ हुसैन। तो बता रहे हैं आसिफ हुसैन कैसे हैं आप? जी आज इन बिल्कुल दोनों के समवन के रिवील करें हम। कौन है भाई आपके समवन? जी हु इज योर समवन? समवन थोड़े स्पेशल है, थोड़े नहीं काफी स्पेशल है। और क्या कहूँ, मतलब जब उनकी बात करती हूँ तो मतलब स्माइल तो मतलब कॉमन है, यू अंडरस्टैंड, जाती नहीं बिल्कुल। ऐसा ही होता है, इस तरह तो होता है, कमन का नाम देती है इतनी शाइनेस, इस तरह के माशाल्लाह। कमन का नाम, समन का नाम इंशाल्लाह वो खुद ही आके बताएंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। नहीं, मैं चाहती हूँ कि आप अपने मुबारक लबों से उनका मुबारक इसमें गिराने हमें सुनाए। अब सुन लो ना, जैसे एंजल जब अपने समवन के नाम देती है तो कैसा लगता है? नहीं वो उर्दू अदब की किताब, काश आपने पढ़ी होती, काश आपने उर्दू अदब की किताब पढ़ी होती। नहीं, अल्लाह का शुक्र है हमने हर चीज इंग्लिश में ली थी, तो
सेम सेम जी, मुझे भी कुछ ना कुछ वर्ड्स उर्दू के नहीं आते जी, ऐसे ही है। तो विशा मुझे बता रही है कि चलो एंजल के सवन को तो अभी थोड़ा साइड में रखते हैं कि भाई साहब तो नहीं 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 मुझे 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 आज एंजल फर्स्ट टाइम एंजल शो में आई है तो आज एंजल रिवील करके ही जाएंगी। ये आज मेरी रिक्वेस्ट भी है, जिद भी है और ऑर्डर भी है। यू हैव टू से यू हैव टू टेल यू इज योर समवन। मुझे वो डायलॉग फिर बोलना पड़ेगा, मुझे घर जाना है। मुझे घर जा रहा है। तो अब हम सारे दोस्तों का रुख मिश की तरफ करते हैं। अमीश से पूछे, मिश कौन है आपके समवन जी? देखिए बिल्कुल मैं बताऊंगी, बट चेक ये है कि एंजल आज नाम तो एटलीस्ट रिवील करके ही जाए। आप बताएंगे कि आपके समवन कौन है, ठीक है? और लड़की okay. इस लड़की को देखो, इस लड़की की शाइनेस की जा रही समवन के नाम से लेके देखो। एंजल आज दुपट्टा खा जाती होगी ना, एंजल आज दुपट्टा खा जाती होगी। मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आई हाय एंजल, मतलब घर में किस किस को पता समवन के बारे में? सिस्टर हो या कोई कजन हो या कोई भाई हो, कोई फ्रेंड हो जी? हाँ जी, समवन के बारे में मतलब इतना गहराई से नहीं पता, मतलब उनको ये पता है कि ही लाइक्स मी, बट उनको ये नहीं पता कि मैं भी बट उनको ये नहीं पता कि आल्सो लाइक मी। दैट्स व्हाई शी इज नॉट रेडी टू रिवील हिज नेम ऑन एयर। एंजल रिस्क में नहीं आना चाहती। चले एंजल, बहुत सारी दुआएं आपके लिए, अलग अलग आपकी हक में बहुत बेहतर करें और आपके लिए आसानियां पैदा करें। कितना पुराना है, मतलब नया है या आप लोग बहुत टाइम से साथ हैं जी? नहीं नहीं, तकरीबन माशाल्लाह से एक साल हुआ है अभी। इसी तरह आप लोगों ने केक जो है ना, केक को हमारे होस्ट के लिए, केक जो है वो हमारे होस्ट के लिए भी रखिएगा। हाँ, जी, मैं भूल गई थी, मुझे पता होता ना आपके लिए मैं भेज देती केक। सही हो गया। अच्छा मुझे आप बता रहे हैं जी, मैं कह रही थी अगर एंजल को पता होता कि हमारे होस्ट इतना शौक से केक खाते हैं, मतलब कोई भी केक खा जाते हैं, एनिवर्सरी का हो, बरसी का हो, सोयम का हो, चहारम का हो, तो वो जरूर रखती। आज वो सब केक में क्या फंस गया भाई? मैं वैसे ही गैस पावर से बड़ा डरता हूँ, तो मुझे कि एक भाई की कभी महसूस हो रही, कोई भाई अगर मेरा शो सुन रहा है तो प्लीज उस लिंक में क्लिक करे और शो को शामिल करे, ताकि मुझे यहाँ अलोन अलोन फील ना हो। चलो अच्छा, मेरा एक सवाल था आप दोनों से, मुझे ये बताया कि आपको कॉफी खुद बना के पीना पसंद है या फिर कोई आपको बना के दे उसमें ज्यादा मजा आता है जी? क्योंकि सर्दी का मौसम है, कॉफी तो आम सी बात है। हाँ जी जी जी, बताएं। हेलो, मैं अपना सवाल फिर से रिपीट करता हूँ कि कॉफी जो है आप लोगों को खुद से बनाना पसंद है, खुद से बना के पीना पसंद है, ये आप लोग चाहती हैं या कोई और, प्लीज कोई और बना दे तो बस मैं पी लूं, तो क्या पसंद है जी? और हमारे लिसनर से भी सवाल है जी, वो भी कमेंट करके अपना जवाब दे सकते हैं जी। हाँ जी, तो कॉफी हाँ मैं तो बोलिए मैं बोलती हाँ जी, तो कॉफ़ी मतलब खुद से बना के पीना भी पसंद है, बाकी कॉफ़ी कोई एक ऐसा है मेरा, मतलब कॉफ़ी पीती हूँ मैं, मुझे टी नहीं पसंद, चाय बिल्कुल नहीं पसंद, तो कॉफ़ी हो कि बस अच्छी हो, बट बात ये होती है कि अगर मैं किसी ने भी बनवाऊँ ना तो सब अपने हिसाब से बनाते हैं और मुझे मेरी पसंद है, तो मैं खुद से बना के पीना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। गुड हो गया, तो इसी के साथ साथ मिश की तरफ चलते हैं। मैं आपको आपने सही कहा कि आपको टी पसंद नहीं है, क्योंकि कहा जाता है कि जो चाय है वो एक स्लो पॉइजन है जी, वो आपको अभी तो नुकसान नहीं पहुंचाते लेकिन बाद में नुकसान कहीं ना कहीं पहुंचाई देती है। आप चलते हैं मिश की जगह जी, मिश आप बता रही हैं आपको किसकी पसंद है जी?
नहीं, चाय से ज्यादा नुकसानदेह जो होते हैं ना वो इंसान होते हैं, वो भी बाद में नहीं, वो उसी वक्त नुकसान पहुंचाते हैं। तो चाय को कुछ ना कहा जाए खुदा के लिए। दूसरी चीज ये हाँ, कि क्योंकि मुझे लगता है मिश्क का फर्स्ट लव जो है उनकी टी है जी, चाय से पहली नहीं, मोहब्बत। मेरा मेरा जो फर्स्ट लव है ना वो चाय नहीं है, वो कोई और है। बट चाय के बारे में भी मैं गोलगप्पे, कुछ नहीं सुन सकती हूँ। आज आज मैंने 12 12 खाए, यकीन करिए आज मैंने पूरे एक दर्जन खाए हैं। अच्छा, इसके बारे में पूछते हैं तबसे से। आप मुझे कॉफी के बारे में बताएं, फिर गोलगप्पे पे आते हैं जी। तो मैं खुद बना कर पीती हूँ और दूसरों के लिए भी बनाती हूँ। किसी को मेहनत किसी को तकलीफ नहीं देती। कॉफ़ी वगैरह कोई भी चीज़ बनानी होती है, चाय तक बनानी होती है, मैं खुद बना के पीती हूँ। अपने लिए जब स्पेशल मुझे पीनी होती है तो खुद, बाकी किसी और से नहीं। ठीक हो गया चना, और मैं कमी शामिल करता चूँ चलूँ, फिर आप लोग मुझसे पूछे या मुझे अंदाजा लगाए कि मैं क्या मतलब किस तरह मैं खुद बनाता हूँ या बनवाता हूँ। ठीक है, तो कमीश की तरफ चलते हैं। वो कहते हैं आसिफ हुसैन ठीक हूँ शुक्र है, और कहते हैं मैं सुन रहा हूँ और कमीश नहीं कर सकता, आर्मी वाले मारेंगे वो क्या आसिफ हुसैन। आप ऐसा करें कमीश छोड़ दे, आप सिर्फ सुनते रहे, पर हम नहीं चाहते कि आर्मी वाले आपको मारे, क्योंकि आर्मी की जो पनिशमेंट होती है बहुत टफ बहुत सख्त होती है। और कह रहे कॉफी खुद बना के पीना पसंद है, गुड हो गया आसिफ हुसैन। और कहते हैं मुझे कॉफी एंड टी नहीं पसंद, ग्रीन टी पसंद है, बिल्कुल हो गया। अच्छा अभी कह रहे हैं क्या मुझे कॉफी खुद बनाना पसंद है, फिर नीचे कमेंट करते हैं मुझे कॉफी एंड टी नहीं पसंद, ग्रीन टी पसंद है जी। क्या कहना चाहेंगे इस पे आप दोनों जी? ये एक सियासी बयान था जो कि सियासी था बिल्कुल। तो आसिफ हुसैन, पकड़ लिया क्या? बच्चे 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 गैर सियासी होते हैं मन्ना। डोंट बी पॉलिटिकल, डू नॉट बी पॉलिटिकल। तो आप मुझे बता रहे हैं कि आप लोग मुझे बता रहे हैं, मुझे मतलब गैस करें कि आपके होस्ट साहब जो है वो किस तरह मतलब पीना पसंद करते हैं, खुद बना के या बनवा के जी? हमारे होस्ट साहब जो है ना, मैं गेस करूं, वो बैठ के आराम से नवाबों की तरह बैठ के बनी बनाई कॉफी पीना पसंद करते हैं। इवन के मुझे ऐसा लगता है कि वो ये सोचते होंगे कि कोई कॉफी जो है ना उनके मुंह से लगा भी दे मगा के, उनको हाथ से उठाना भी ना पड़े इतना मग। कुछ कैसे जानती हमारी हो साहिबा? असल में मेरे पास टाइम नहीं होगा, वाइज ऐसे मैं ही जी होते, वाइज ऐसे ही जी होते हैं, यकीन करें नहीं, ऐसे असल ही में होते हैं। मेरा बहुत टफ शेड्यूल है अपने लाइफ में, तो इस वजह से मुझे बनाने का टाइम नहीं मिलता। वरना मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कॉफी बनानी आती है, बहुत अच्छी बनाता हूँ मैं कॉफी, किसी दिन आप सबको पिलाऊंगा इंशाल्लाह। तो आप चलते हैं अपनी गोलगप्पों की जा बिल्कुल रही इतनी, आजकल हम आज हमारे पास दो दो लड़कियां मौजूद है, तो इनकी टांग खींचे और पूछते हैं इनसे कि आपने कभी भी एक टाइम में कितने गोलगप्पे खाए जी, क्या रिकॉर्ड है आपका जी? पहले अपनी एंजल मेहमान एंजल पहले आप का बताएं, मेहमान की तरफ पहले चलते आप हैं जी। बताएं जी। एंजल कितने खाए? जी तो मैंने परसों ही खाए, तकरीबन 300 रुपए के खा लिए थे। कितने? 300 रुपए के खाए थे, मेरे ख्याल से नहीं नहीं दो नहीं दर्जन आई थी, खाए दो वो दर्जन, दर्जन थे। बारह बारह 24, मतलब आपके 24 रिकॉर्ड है, उससे भी ज्यादा। नहीं उससे भी ज्यादा है, बट मंगवाए हाँ 24 थे। मतलब कितना, आवाज मुझे बताए थे कितने का मतलब रिकॉर्ड है इतना आपके? रिकॉर्ड है, इतना रिकॉर्ड है कि अगर किसी के साथ भी बैट लगे या रेस लगे तो मैं जीतूंगी। अब चलते हैं मिश की जा रही जी, मुझे लगता है बड़ी तकरार होने वाली जी मिश, क्योंकि दोनों तरफ मुझे नहीं वही लग रहा है बिल्कुल जी। बिल्कुल, आपने एक जैसा टाइम कितने एंजल खाए? एंजल ने जैसा बताया ना, सेम वही है। और किसी दिन सोचा है एंजल कहीं रखते हैं मीटिंग, वहां पे हम बैट लगाते हैं फिर गोलगप्पों की। हाँ मुझे हाँ बहुत अच्छा लगेगा। हाँ जी बहुत, बिल्कुल, इंशाल्लाह हम मिलेंगे। और मैंने आज ही खाए और माशाल्लाह से। वैसे मुझे किसी चीज़ का टेस्ट आ नहीं रहा था, बिकॉज़ फीवर बहुत ज़्यादा था। तो गोलगप्पे खाए तो उन्होंने बता दिए कि हम गोलगप्पे ही हैं, पहचान लो हमें। मिश और स्टूडेंट, किसी ने बस 20 खाए, किसी ने 24 खाए, बस बस। आप लोग गैस करें आपके होस्ट साहब ने कितने खाए, गैस करें आप जी, दोनों गैस ना करें। करें ना करें, मैंने पहले एक एक पहले टाइम में क्यूटेंसिल को चांस थर्टी देते हैं, सिक्स दो मिनट थर्टी सिक्स पहले खाए क्यूटेंसिल को हैं चांस देते जी। हैं, जी जी क्यूटेंसिल आपके होस्ट साहब ने कितने खाए होंगे जी? गैस। 30 to 35। ओके, और मिश आप क्या कहती हैं?
आई डोंट थिंक आपने इतने ज्यादा खाए होंगे क्योंकि मैक्सिमम बताएं चले। हेलो मिश, आपकी आवाज नहीं आ रही जी। आई थिंक मिश का इंटरनेट जरा प्रॉब्लम। अभी आवाज आ रही है? नहीं बिल्कुल आ रही है जी। तो मैं अंदाजा लगाया, गेस करें जी जी। आई डोंट थिंक यू कैन ईट अबव 6 or 7। हाय मैं आपको बताना चलूं कि मैंने लाइफ में सिर्फ 2 टाइम गोलगप्पे खाए, लाइफ में सिर्फ 2 दफा ही गोलगप्पे खाए हैं और उसमें से मेरा रिकॉर्ड है सिर्फ 4 का, बस इससे ज्यादा नहीं खाया मैंने। अच्छा सबसे पहली बार कब खाया आपने गोलगप्पे? पहली बार मैंने खाया पीएफ में एंड सेकंड टाइम मैंने खाया हैदराबाद में रानी बाग में जी। अरे 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 जी जी नहीं फैमिली के साथ गया था। आप गलत समझ रहे हैं, आप लोग कुछ गलत मार लेके जाने चाह रहे होंगे, मुझे लगा नहीं है। मुझे लगा आप जो है ना वो डेट मारने गए हैं। अल्लाह का शुक्र है कि आज तक जिंदगी में कभी डेट नहीं की। डेट होती क्या है आपके होश आपको ये भी नहीं पता। तो देख लें कहीं पिक्चर्स रिवील ना हो जाए आपकी, देख लें। मैंने डेट नहीं मारी वो मैं अपनी फैमिली के साथ गया हूँ, जो मेरे साथ जाते थे उनकी फैमिली होती थी तो मैं अपनी फैमिली के साथ गया हूँ। मैं पीएफ गया हूँ अपनी फैमिली के साथ, अलादीन और बहुत जगह घूमा अपनी फैमिली के साथ। और हैदराबाद भी एक टाइम में हम गए थे तो हमने सोचा कि रानी बाग का भी एक जरा विजिट कर लेते हैं, बहुत सुना है रानी बाग के बारे में। तो बस वहीं जाना हुआ था तो फिर वहाँ मैंने खाए थे। तो उससे ज्यादा बेहतर मुझे कराची के गोलगप्पे लगे, यकीन करें। हैदराबाद के गोलगप्पे से मुझे कराची के गोलगप्पे ज्यादा बेहतर लगे। तो मेरे पास एक सवाल है वो सब आपके लिए। अच्छा इंटरेस्टिंग। आज दोनों की तरफ से रैपिड फायर हो रहा है। पहले तो ये बताइए कि दो सवाल है एक्चुअली। पहला तो ये कि आपको गोलगप्पे पसंद है, हाँ या ना? नहीं ना नहीं। अब फंसेंगे तो दूसरा सवाल ये है कि किसके कहने पे या किसने जबरदस्ती खिलाए? असल में बैटिंग लग गई थी कि मोशी आप कितना खा सकती हो, तो बस बैटिंग में मैं अपने कजन से हार गया और बस मैंने 4 खा पाया और उसने भी ज्यादा नहीं खाया, उसने कम से कम 8 खाए होंगे ज्यादा। तो हम लड़के बस इतना ही इनफ होता है हमारा, हम नहीं खा पाते ज्यादा। मतलब उसके अंदर जाहिर सी बात है एक खट्टापन होता है, बहुत ज्यादा खटास होती है। तो लड़की बहुत स्वीट होती है, असल में लड़की बहुत मीठी होती है, लड़कों को वैसे भी इतना ज्यादा पसंद नहीं होते। बिल्कुल वो जो है ना बहुत ज्यादा खट्टा होता है और फिर वो खाने के बाद जो है इन सब की आवाज बिल्कुल फरजाना रुखसाना जैसी हो जाती है, सो इसीलिए ये लोग नहीं खाते। अच्छा जी तो अच्छा गोलगप्पे भी लड़कियों की फरमाइश होती है कि मतलब कोई ज्यादा तीखा पसंद करती है, कोई ज्यादा खट्टा पसंद करती है, तो आप दोनों कैसे पसंद करती हैं जी मुझे बता रहे हैं? और जो कमेंट्स में जो खाते पीते हैं ये गोलगप्पे वो भी बता सकते हैं कमेंट्स करके अपनी मौजूदगी का एहसास दिला के कि आपको किस तरह के गोलगप्पे पसंद है और आपके गोलगप्पे का रिकॉर्ड क्या है जी। जी मिश आप पहले आपकी तरफ करते हैं। जी सर मैं बता देती हूँ क्योंकि एंजल जो है वो मुझे लग गया समवन की यादों में खो गए हैं। सो मुझे तीखा बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं बेसिकली मीठा बहुत ज़्यादा शौक से खाती हूँ, तो मुझे थोड़े खट्टे मीठे टाइप के अच्छे लगते हैं, तीखे नहीं। और बढ़ते हैं एंजल की जानिब जी। एंजल हेलो एंजल कहेंगे एंजल कहेंगे कि सिर्फ गोलगप्पे हो गोलगप्पे हो। आवाज आ रही है एंजल हमारी अब तक? हेलो हेलो मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ गई आपकी आवाज। और बता रही कि आप किस तरह के गोलगप्पे? हाँ पता नहीं क्यों मुझे आप दोनों की आवाज ना कट कट के आ रही है, तो शायद मेरा नेटवर्क इशू है। ये लड़कियों का नेटवर्क इशू क्यों होता है आज तक मुझे समझ नहीं आया। मेरा देखो हम लड़कों को देखो हमारा नेटवर्क इश्यू नहीं होता, हमारा सिग्नल फिट टू फाट आ रहा होता है जी। क्या करती हैं लड़कियां? ओके क्यूट एंजल का आई थिंक इंटरनेट बहुत ज्यादा इशू कर रहा था। ओके स्ट्रीम यार्ड जो है ना इसे बहुत बड़ा एक
प्रॉब्लम है, दुश्मनी है, वो सिर्फ लड़कियों के साथ ही है, मुझे आज पता चल गया है। पूछना पड़ेगा जरा शो के बाद ही, कौन सी दुश्मनी, कौन सी जन्म की दुश्मनी निकाल रहे अपनी बहनों से। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा मुझे भी गोलगप्पे जो मतलब मैंने खाए थे ना, ज्यादा खट्टे तीखे नहीं खाए थे, मैंने भी मीठे टाइप का जरा पसंद किए थे, और मैंने पानी बहुत ज्यादा कम लगाया था जस्ट नॉर्मली, और मैंने जो खाए थे उसके अंदर दही वही मतलब सब बराबर करके अच्छे तरीके से डाला गया था। और मुझे चाट ज्यादा पसंद है सर्दियों में, है चाट हो तो मजा ही अलग है, क्या कहते हैं इस बात। जी बिल्कुल मुझे भी पसंद है, बट इतनी ज्यादा नहीं, मतलब बैलेंस में खा लेती हूँ, पसंद नहीं है इतनी ज्यादा। ओके तो क्या करें मिस्टर, एक आगे पिक्चर्स की जाने बढ़ा जाए, क्या कहती हैं आप। इतनी आपने जालिमाना बातें कही है ना खाने पीने के बारे में कि बस अब पिक्चर्स की जाने बढ़ अच्छा मुझे लगा हमारे साथ फिर से हमारी प्यारी सी लिसनर्स मौजूद हैं, क्यूट एंजल, वेलकम कहते हैं क्यूट एंजल आपको, एंड मैं बार-बार नहीं पूछने वाला कैसी हैं आप। क्यूट एंजल कहेंगी बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। जी 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 तो एंजल आपके सवाल का जवाब देना चाह रही थी। अच्छा हमारी लिस्टर्स बड़ी अच्छी बड़ी अच्छी तरीके से, और मिसबा और इनकी ऐसी दोनों की सेम लगती है, क्या कुंभ के मेले बिछड़ते नहीं लेते आप दोनों, डाउट होता है। वैसे देखा जाए तो काफी चीजें सेम है, काफी चीजें सेम मतलब मिलती है कुछ थोड़ी बहुत भी। और मुझे ये बता रहे हैं कि आप दोनों मतलब आप तो बता चुकी हैं मिश, और आप मुझे बता रहे हैं कि आपको किस तरह के गोलगप्पे खाना पसंद है। जी फुल ठीक है, मतलब फुल स्पाइसी। ओहो इस चीज में दोनों के डिफरेंस हो गया, और आसिफ हुसैन गुस्सा करते कह रहे हैं कि कमेंट्स की तरफ भी आया, कह रहे हैं ओके कमेंट्स की तरफ बढ़ते हैं। जी तो आसिफ हुसैन कहते हैं आई हेट गोलगप्पे, अरे हाय मेरा भाई छा गए, same to you. हमें भी पसंद नहीं है। आसिफ हुसैन कह रहे हैं डेट के बारे में हम लड़के मासूम नहीं जानते, बिल्कुल यार हम बहुत मासूम होते हैं, हमें नहीं पता डेट क्या होता है, हम डेट को तो तारीख समझते हैं। अरे 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 वैसे डेट के बहुत सारे मायने होते हैं, और उसमें सबसे अव्वल नंबर पर ना। अच्छा मिसबा अब ये सुनिए कि 14 फरवरी आने तक 13 फरवरी तक लड़कों को बिल्कुल मासूमियत खत्म हो जाती है, लड़के समझ जाते हैं कि 14 फरवरी को क्या करना है, डेट लगानी है। ये मेरे मुंह की बात थी, कसम से ही मेरे मुंह की बात थी, 13 फरवरी कसम हो जाता है कि बेटा डेट के मायने क्या होते हैं। क्या दिन है मतलब क्या है। तो उसमें पता नहीं क्या ऐसा है कि कोई ट्रेंड है क्या है कि रेड ड्रेस पहनते हैं। तो हाँ जी तो मेरा ऐसा होता है कि उसी दिन पता नहीं क्यों बस मैं कोई भी रेड ड्रेस निकाल के पहन लेती हूँ, और मुझे यकीन करे सच में माइंड में नहीं रहता कि वैलेंटाइन डे है, मैं निकाल के पहन लेती हूँ, फिर जो मुझे सबसे सुनने को मिलती है मतलब दोस्तों से सुनने को मिलती है। हाँ दोस्तों से, बाकी खानदान में कोई कभी आ गया घर पे या कजन्स ने देख लिया तो वैलेंटाइन डे मना रही है कहाँ जा रही है। अच्छा मतलब 14 फेब को ही आपको रेड ड्रेस पहनना होता है, सही है मैं समझ गया आपकी बात को। अरे नहीं नहीं एक्चुअली एंजल जो है वो हल्के फुल्के से सिग्नल दे रही होती है रेड ड्रेसिंग के थ्रू अपने समवन को के अल्लाह दे बंदे यार तेनु भी डेट दे बारे पता है कि नहीं। वैसे तो मोहब्बत करने वालों के लिए तो हर दिन ही वैलेंटाइन डे, क्यों क्या कहती है मिशेस में आप। बिल्कुल मैं वैलेंटाइन के बिल्कुल खिलाफ हूँ, मैं अगेंस्ट बिकॉज़ आई एम मुस्लिम एंड आई डू नॉट बिलीव ऑन वैलेंटाइंस डे, बिकॉज वैलेंटाइन जो था वो मुस्लिम नहीं था और उसने मर्द और औरत के नाजायज ताल्लुकात को जो है वो जायज करार दिया था, तो मेरी नजर में वो है।
बिल्कुल, तो मेरी नज़र में जो है ना, ऐसे तमाम डेट मारने वाले लोगों को फांसी लगा देनी चाहिए जो पार्कों में घूम रहे थे 14 स्टेप्स को। क्यों डेजे सुन रही नीचे बैठ जी, तो नहीं, वापस आ जाए। आप जस्ट किडिंग, हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। और मैं बताता चलूं कि वैलेंटाइन को इसी चीज पे फांसी लगाई गई थी, और जिस दिन वो वैलेंटाइन जो था वो मरा था, उसी दिन को वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। अच्छा, उससे पहले भी बहुत से डे मनाए जाते हैं, मैंने सुना है। जैसे कि मेरे मौकिलात ने बताया कि उससे पहले भी कुछ डेज होते हैं, फ्रेंडशिप डे और टेडी डे और आई डोंट नो कौन कौन से डे होते थे। अरे ये सारे जो होते हैं ना, ये सारे जो होते हैं, ये फ्रेंडशिप डे, ये रोज डे, ये प्रपोज डे, फला डे फला डे, ये सब शादी से पहले तक होते हैं। शादी के बाद टिफिन डे, खाना डे, कंघा डे, चाय डे, पहले तो गीले सोने डे, पहले तो गीले डे, ऐसे होता है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। और आसिफ हुसैन के कमेंट आया, बड़ा अच्छा लगा मुझे कमेंट सुन के, कि मोहब्बत को बदनाम कर दिया है डेट्स ने और वैलेंटाइन ने। बिल्कुल ऐसे ही कहा कि मोहब्बत अरे बदनाम आसिफ हो चुकी है। हुसैन, अरे आसिफ हुसैन, बिल्कुल सही बात कही आपने, कसम से बिल्कुल सही बात की। काश आप किधर की आर्मी में ना होते। डोंट गेट मी रॉन्ग आसिफ भाई, डोंट गेट मी रॉन्ग, अगर आप किसी की आर्मी में नहीं होते तो पाकिस्तान में कहीं बाबा बन के बैठे होते। अच्छा, मोहब्बत। ओके 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 ओके, मैं आई पिक योर पॉइंट। ओके 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 ओके, और सीधा बढ़ते हैं इस बार एक पिक्चर की जाने जी, क्या कहती हैं। और हमारे साथ क्यूट एंजल भी मौजूद हैं, तो क्यूट एंजल को रखते ही हम पिक्चर को शो कर देते हैं। ये पिक्चर क्या कहती है जी, मिस बा आप पढ़ेंगी या मैं पढ़ दूं? मैं पढ़ लेता हूँ। एक बुजुर्ग जी, एक बुजुर्ग ने पप्पू से पूछा, बेटा कैसे हो? पप्पू, बिल्कुल ठीक हो। बुजुर्ग, पढ़ाई कैसी चल रही है? पप्पू, बिल्कुल आपकी जिंदगी की तरह। बुजुर्ग हैरान होकर, क्या मतलब? पप्पू, अल्लाह दे भरोसे। हाय मेरे पप्पू यार, कसम से ये जो मीम्स होते हैं ना, बड़ी अथंगी मीम्स बनाते हैं और बेहतरीन। और एक और हमारी जो ये साबित करेंगी, इस चीज की गवाही देंगे हमारी ये जो दो बैठी हुई है ना, एक हमारी होस्ट और एक हमारी मेहमान, क्यों एंजल, ये बताएंगी कि ये सच है या रॉन्ग है। जी, एक पिक्चर शेयर करने चला हूं मैं आप लोगों के साथ। जी, पप्पू पूरे घर में लड़ाई करवाने के बाद, हाय अल्लाह, मैंने ऐसे कब कहा था। ये झूठे। देखिए, मेरे पास 6 6 पप्पू है, एंड उसमें से एक भी ऐसी नहीं है। छह की लगता है छह पप्पू पास है, लगता है मिश की पप्पू मिश के पास है, इसलिए सच उगल नहीं रहा, मुंह से निकल नहीं रहा। मैं समझ सकता हूँ। मैंने मैंने जब भी की है और मैंने अपनी कुकियों की तारीफ की है, बिकॉज वो सबके सब बहुत अच्छी हैं और जान छिड़कने वाली कुकियाँ हैं। मुझे नहीं लगता कि कुकी का रिश्ता है आपके बराबर में। डंडा लेके खड़ी बेटा, तू बोल के देगा मेरे बराबर ही मेरी दादी है। और कहते हैं आसिफ हुसैन, हद करते हैं यार ये बनाने, ये बनाते कैसे? ओके, आसिफ हुसैन कहते हैं आई एम बाबर आजम फैन। बिल्कुल, हम भी आसिफ हुसैन, हम भी बाबर आजम के फैन है बड़े। और उनका दिल टूट गया है जी, दिल टूट गया, मतलब टूटे हुए दिल वाला इमोजी लगाया ना उन्होंने, और रोने वाला कि उन्होंने, मतलब उनको बुरा लगा है कि बाबर आजम की पिक को जो है वो इस तरह की मीम के लिए यूज किया गया है। दैट्स व्हाई यार आसिफ हुसैन ये था पीपल्स को समझाए, वो तो हम पे भी मीम्स बना दे, उनका बस चले तो। और क्यूट एंजल वैसे मौजूद है, वेलकम कहते क्यूट एंजल आपको। तो मैं बता चलूं, क्यूट एंजल मिश की सामने तो उसकी पुप्पो खड़ी हुई उनके साथ बेलन लेके, कि बेटा तू बोल के दिखा, मैं तुझे बताती हूँ। तो एंजल आपके साथ तो ऐसा कोई सिलसिला नहीं होता, आप बताती है कि ये सच है या रॉन्ग है जी? नहीं, असल में बात ये है कि पप्पू लड़ाई करवाने के लिए पप्पू होनी चाहिए, मेरी पप्पू लाहौर में। तभी ये आराम से बता सकती है जी। जी, तो मेरी पप्पू लाहौर में और हम खुद अल्हम्दुलिल्लाह कराची से हैं, तो कैसे हो सकती है लड़ाई? तो नहीं, मेरी पप्पू बहुत अच्छी है, अल्लाह का शुक्र है। हाँ, खाला हूँ, नहीं कह सकते।
हमारा ये काम थोड़ा फालतू है। अच्छा अगर आपने बुकोरिक शो सुन लिया तो? नहीं नहीं कोई बात नहीं। तो फिर की होगा है फ्लाइंग चप्पल आनी है और की वही पंजाब सूरते में आएगी फ्लाइंग चप्पल और इनको लगेगी आ करिए बिल्कुल बिल्कुल। इस मामले में जो है ना मैं बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हूँ बिकॉज मेरी जो खालाएँ हैं वो भी और मेरी जो फूफो है वो भी मैं बहुत लकी हूँ कि वो सबके साथ बहुत ही अच्छे हैं बहुत ही अच्छे हैं। कोई सर पे खड़ा हुआ है जो उनकी बंदा मेरे कोई खड़ा हुआ बिल्कुल दादी के सामने दादी भी बहुत अच्छी है बाकी सब लोग बहुत अच्छे मतलब मेरी फैमिली है ही बहुत अच्छी ना इस तरह का कोई कंसेप्ट नहीं मुझे लगता है कि जब मीम्स बनाते हैं ना इनके घर में फुफ्फो इस तरह की होती होंगी मेरे घर में फुफ्फो इस तरह की नहीं है। हमारे यहाँ पता है क्या सिस्टम होता है अगर किसी ने कुछ कह भी दिया ना तो वो दादी और फुफियाँ जो है ना वो वालदा के गले में ही आ जाती हैं कहा तो कहा कैसे हमारा बच्चा हमारी बच्ची मतलब वालदा का कोई लिंक ही नहीं है बच्चों के साथ उनका लिंक है एंड बहुत ख्याल रखती बहुत केयर मुझे याद आया कि आज कुछ फुफ्फो जो है जो मतलब कुछ फुफ्फो होती है अपनी भांजियों में बड़ा वो जताती है कि यार तुमको मेरे घर आना है तुम शादी करके मेरे घर आओगी और ये सब तो किसी के साथ ये वाक्य हुआ है कि फुफ्फो ने कहा है कि बेटा शादी कब कर रही हो और ये वो तो आप लोगों ने क्या बहाना बनाया जी कहीं मिश ऐसा फुफ्फो ने पूछा हो? नहीं मेरे साथ तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ बस एक था सीक्रेट वो बहुत बाद में जाके रिवील हुआ था तो उस वक्त तक बाद में फिर करना पड़ा कुछ और उसको ख़त्म करवाना पड़ा बट वो सीक्रेट ही था कभी भी शो नहीं हुआ कि इस तरह का कोई कंसेप्ट है तो बस जिस वक्त रिवील हुआ उस वक्त उसको जड़ से ख़त्म कर दिया डिटॉल से क्योंकि मामा ने सिर्फ डिटॉल का दिला मुझे इंटरनेट इशू नहीं है आपके मोबाइल में जो कैंची लगी है ना आप वो बस निकाल दें ताकि आवाज हमारी कटना बंद हो जाए फिर नॉर्मली आएगी। अच्छा आप चले गए ये कह रही थी कि स्ट्रीम यार्ड वालों को लड़कियों से बड़ी दुश्मनी है तो आप उन लोगों को मैं कहूंगा कि आप लोग स्ट्रीम यार्ड वालों को मेल कह रहे हैं कि भाई क्या दुश्मनी है आप लोग बता दें कि हमारे होस्ट साहब का तो इंटरनेट डिस्टर्ब कभी नहीं होता हमारा क्यों होता है जी बिल्कुल मुझे ये वाला काम करना पड़ेगा एंजल आप भी कीजिएगा ठीक है और आपके लिए रिक्वेस्ट जो है वो मैं कल ही कर चुकी हूँ आपके लिए कि वो एम्बुलेंस का अरेंजमेंट करें और चाय पानी के लिए उन्होंने कहा था तो उन्होंने कहा जब तक इलेक्शन का रिजल्ट नहीं आता हम चाय पानी का इंतजाम नहीं करेंगे तो होपफुली हो जाएगा चाय पानी का इंतज़ाम तो तब तक आप अपने किचन से कुछ भी उठा के खा सकती हैं मेरी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट। चलो करता चलो हम लोग मुझे वो पिक्चर देख के बड़ी हंसी आई है और हमारे साथ जो लिसनर्स मौजूद है उसका जवाब देना चाहेंगे जी ओके यकीन करें बहुत बड़ी पिक्चर है चलो आप खुद देख लेंगे ब्लेड से बाजू पे महबूब का नाम लिखते हुए अगर स्पेलिंग गलत हो जाए तो क्या करना चाहिए जी मुझे बता रहे आप कमेंट करके क्या करना चाहिए क्या कहना चाहेंगे उन लड़कों को जी पहले बात तो मैं ये कहना चाहूंगी कि वो पिला बच्चों में हम लोग खून बहा रहे हो उसके बाद ये कहना चाहूंगी क्या कहूँ उसके बाद अगर स्पेलिंग गलत हो जाए तो कोई बात नहीं जो स्पेलिंग बन जाए उसको अपना लो बिल्कुल बिल्कुल मजाक कह रही है ऐसा नहीं है ये काम करने से गुरेज करनी चाहिए मेरे हिसाब से तो
क्योंकि आपकी जान जो है वो अमानत है और उसको आपको वैसे उसी तरीके से लुटाना है, अल्लाह को अपने जिस्म को बिल्कुल सलामत रखें। और इसी के साथ चलते हैं मिश की जान। जी मिश, क्या कहना चाहेंगे अभी इस बारे में? जी यही कहना चाहूंगी, क्योंकि अगर लड़कियां तो कभी भी इस तरह की हरकत नहीं करती, और जो करती हैं वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा सीरियस होती हैं। तो भाई अल्लाह के लिए जिसकी भी नाम अगर गलत हो जाए कोई मसला नहीं, आप उसको, बहुत सारे करेक्टर्स आते हैं ना, हम लोग फेयर वर्क भी तो कर रहे होते हैं ना, मतलब कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए करेक्शन वाले पेंस मौजूद होते हैं हमारे पास, वाइट होता है, रिमूवर होता है, उसमें से कुछ यूज़ करके देख लें, उससे ठीक हो जाएगा, करेक्ट हो आप जाएगा। कहती हैं कि बैंडेज बैंडेज लगा आगे दोबारा लिखना स्टार्ट कर दें, हम ये कहना चाहती हैं। हाँ बिल्कुल, दोबारा लिखना, और अगर एक एक हाथ पे गलत हो गया ना तो आप दूसरे हाथ पे लिख लें, कोई मसला नहीं है, कोई टेंशन नहीं अच्छा मैं कहना चाहूंगी कि जैसे कि हम कभी कभी पेपर में पेन से लिखते थे ना, कि हमें जल्दबाजी होती थी, हम क्या करते थे, उसको काटते थे, उसके आगे सही लिख देते। तो मैं आपको मशवरा देना चाहूंगा, उसको काटे, वो गलत हो गया, उसके आगे करेक्शन करके लिखते हैं आप। और मेरा मशवरा ये है कि अगर एक हाथ पे गलत हो गया तो आप दूसरे हाथ पे लिखें, अगर दूसरे पर भी गलत हो जाता है तो आप बाजू पर लिखें, वरना शक्ल पे लिख लें, ताकि सबको पता चले कि आप कितने बड़े मजनू हैं या मजनी। और आसिफ हुसैन की राय कितनी मिलती जुलती, आसिफ हुसैन कहते हैं हाँ हाँ दूसरे हाथ पे लिख ले, ओके। आसिफ हुसैन कह रहे एक हाथ बदनाम क्यों कर रहा, दूसरे हाथ को भी मौका दे, और दूसरे हाथ भी अपने महबूब का नाम चाहते हो, ओके। तो ऐसी फनी पिक्चर सालों के साथ शेयर करता चलूँ मैं, और भी बहुत सारी हैं। तो लड़कों के लिए तो होगी, अब लड़कियों के लिए देखते क्या है। आई थिंक ये लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए, ओके चेक करता चलूँ। अल्लाह ताला ऐसी कोई पिक्चर दिखा जो लड़कियों के लिए हो, लड़कों की बहुत हो गई। तो पता चलूँ किसी ने मुझसे पूछा जी जी पहले इसके बारे में चलते हैं, किसी ने मुझसे पूछा कि अगर गिलास टूटे तो क्या आवाज आती है, मैंने कहा अम्मी की आवाज आती है कि तोड़ो और तोड़ो, जब तुम्हारा ससुराल वाले आएंगे तो लुटाए तो लोटे में पेप्सी पिलाऊंगी। एंजल 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 वही तो मैं पूछ रही हूँ, तुझे कभी गिलास कैसी आती है आवाज? अम्मी अम्मी की आवाज आती है, तोड़ दिए तोड़ दिया। अच्छा, ये बोलने के बाद कहती है पता था मुझे, और तो कुछ काम ही नहीं है, इसका गिलास तोड़ेगी, हट जा मैं खुद धो लूंगी। मैं चूंकि बर्तन नहीं धोती हूँ इसीलिए मुझसे ग्लास भी नहीं टूटते, तो मैं वो हूँ जो खाना खाती हूँ ना तो बैठ के पानी भी छोटे छोटे, क्योंकि मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ ना, तो अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा है माशाल्लाह से ना, छोटे छोटे बहन भाई बहुत ज्यादा हैं, मतलब सब जॉइंट फैमिली में रहते हैं ना, तो हाँ मैं उनसे मंगा रही होती हूँ जाओ पानी ला के दो, जाओ ये बर्तन उठा के रखो, अच्छा ये गिलास वहाँ रख दो। और फिर इसका एक और फायदा होता है, बस जब बहन भाई होते हैं ना कजन कजन, तो सबकी चीजें लेके खाने में मजा आता है, तो मतलब पहले बच्चों से मांगना पड़ता था, अभी बच्चे इतने फास्ट हो गए ना कि बस इनको देखो ना तो वो खुद से ही ऑफर कर देते हैं, अच्छा आप ही खाएंगे ये लें खाएं खाएं। मतलब हमारा हमारा तो ये है कि अगर टूट जाता है हमसे कोई गिलास या कोई कप तो आवाज पता क्या आती है, बिना टेंशन नहीं ले, कोई फिगर की बात नहीं है, अगले महीने नया ले आना और कुछ नहीं। आपकी सैलरी से आएगा ना, आपकी सैलरी से आएगा, नहीं ले आई क्योंकि मसला ही नहीं है हमारे लिए, तो ये होता है बेटा कोई टेंशन की बात नहीं, टूट गया जिंदगी बहुत बढ़िया। एक फनी चीज होती है, एक एक फनी चीज होती है हमारे घर में, मेरी जो सिस्टर है ना वो जब बर्तन धोती है मतलब तो बहुत ही ज्यादा आराम से, मतलब बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता धोती है बर्तन, तो उसको मम्मी कहती है तेज तेज धो लो, ऐसे धोती है जैसे बर्तनों को दर्द हो रहा है, चोट नहीं लगेगी इनको, सफाई अच्छा, से दो। एक और एक लिसनर्स मौजूद हैं, उनको भी ऐड कर लेते हैं। तो आसिफ हुसैन के कमेंट्स पहले शामिल कर दें, आसिफ हुसैन कहते हैं हद है आधे कमेंट्स रीड किए हो, ओके सबसे से दिल टूट गया है, ओके। और बाबा नवाज कहते हैं हेलो, और बाबा नवाज
लाइव भी मौजूद है, तो उनको फटाफट सेट कहते हैं। तो वेलकम कहते हैं बाबा नवाज आपका। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है तुम बशीर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हाल है? आप कैसे हैं? क्या हाल है मिसेस होस्ट? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह पाक का जनाब। क्या हो रहा है यहाँ? तो आपकी नवाजिश हो गई यहाँ पर जी, घर में नवाजिश। तो बताया कैसा दिन गुजरा आपका जी? जी 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 हुकुम जी, हो गई जनाब। आ गए बस आपकी यादों में, आपकी यादों में घेर लाई यहाँ। हाय मेरा भाई, मेरे जान का टूटा भाई। तो मुझे बता रहे हो हमारे प्यारे से लिसनर्स सवाल कि तुमने जिंदगी में हमारे गोलगप्पे खाने का रिकॉर्ड किया, हमारा ये सवाल था एक जी। गोलगप्पे खाने में तो अनलिमिटेड जितने रख दो। देखो हमारे पास दो चैंपियन वैसे ही मौजूद है, एक मीश और क्यूट एंजल, तो जरा संभल के बात करो। दो चैंपियन पहले मौजूद है हमारे पास जी, कितना खा लेते हो? मैं चैलेंज देने को रेडी हूँ, मैं चैलेंज देने को रेडी हूँ। चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे आप? क्यों नहीं? ठीक है, तो आपका चैलेंज ये है कि कल आपने अपनी पॉकेट मनी से 1,000 रुपए के गोलगप्पे खाने हैं, और इसकी प्रॉपर वीडियो हमारे होस्ट को ईमेल करनी है। ठीक है, ये आपका चैलेंज है। गायब ही हो गए वो। भाई साहब के शायद नेटवर्क चले गया या तो भाई साहब उड़ गए। बहुत बहुत बढ़िया टास्क है हमारे साथ। बाबा नवाज, इट्स जस्ट किडिंग, सीरियसली होइएगा। नहीं, हमारे साथ मौजूद है, वापसी आ गए हैं। अच्छा लगा होगा। वेलकम टू टेक होस्ट साहब को जी। एक मिनट, 1,000 रुपए के गोल ऐसे थोड़ी खाऊंगा, सामने बैठा के खाएंगे। 1,000 के आप खरीदेंगे, आप लोग 1,000 के खरीदूं? अरे मेरी बात सुने ना, चैलेंज तो चैलेंज होता है, तो आपको तो चैलेंज एक्सेप्ट था ना। हेलो, तो अब आप इस तरह से चैलेंज कंप्लीट करेंगे और फिर आई थिंक नवाज का इंटरनेट थोड़ा सा इशू है। मैं नवाज को कहना चाहूंगा, प्लीज आप फिर से रिजॉइन करें, कभी कभी ऐसा मसला हो जाता है, इशू हो जाता है, प्लीज रिजॉइन करें ताकि हम आपको फिर से शो में शामिल कर सकें और सुन सकें आपकी मधुर आवाज जी। मेशा रायंजो, तो चलते हैं एक पिक्चर्स की जाने। हाँ जी, तो मैं इजाजत देना चाहूंगी। और फाइनली मेरा माइक खुल गया और मैं आप लोगों के पास आ सकी, तो इसकी मुझे बहुत ज्यादा खुशी है। इंशाल्लाह फिर कभी दोबारा ज्वाइन करूंगी। ओके, तो आपको नेक ख्वाहिशात और नेक दुआओं के साथ रुखसत करते हैं कि जा रहे हैं, खुश रहे। प्रॉपर तरीके से। आई डोंट नो कि कहाँ चला गया मेरा माइक, यहीं पर ही है। मेरी आवाज ठीक आ रही है आपको? बिल्कुल ठीक आ रही है। क्यूट एंजल बाबुल की दुआएं लेती जा, उसको सुखी संस्कार मिले। शुक्र है आपने सही कहा, वरना कुछ लोग ये लाइन ना उल्टी बोलते हैं, वो कहते हैं जब तुझे पति बीमार मिले। और भी कुछ कहते हैं लोग, पता है क्या क्या कहते हैं? इसकी आवाज मुझे तो नहीं आ रही थी। जी जी, वो असल में बोल नहीं रही थी ना। क्या जी, एंजल क्या हो रहा है? तो आई थिंक इनका अब तक नेटवर्क इशू हो रहा है। मैं गॉसिप आपको कहना चाहूंगा, इनको कुमकुम 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 का ड्रामा यार, आवाज आ रही है। इनको कुमकुम की आवाज आ रही है। पता है नेटवर्क इशू होता है कराची है भाई, नेटवर्क बिल्कुल। तो मैं इजाजत लेना चाहूंगी। थैंक यू सो मच आप दोनों का बहुत बहुत, और थैंक यू सो मच मिश, थैंक यू सो मच होस्ट मुबशिर साहब। माय प्लेजर।
और मैं चाहूंगी कि आप ज्वाइन करती रहें और अपनी मधुर आवाज सब तक पहुंचाती रहें, खास तौर पर आपकी वो हंसी जिसपे मुझे लगता है एंजल जब आप हंसती होंगी ना तो बहुत कत्ल होते होंगे आपके शहर में। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, जिसको कत्ल करना था वो तो हो गया ना। तो अभी फिर से कहते चले और क्यूडेंजिल आपको कहते चले कि अपना बहुत सारे ख्याल रखिएगा, आपके लिए बड़ी सी नेक ख्वाहिशात, बहुत सारी नेक ख्वाहिशात, इसी से कहते हैं आपको अल्लाह हाफिज। अल्लाह जी, तो इसी के साथ साथ हाफिज, अपनी नेक चले, और नवाज के साथ बड़ा गजब सीन हो गया कि वो आए और उनको टुक टुक की आवाज आने लगी हमारे यहाँ से, उनको उनको कुम 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 की आवाज आने लगी। एंड मुझे लगता है कि नवाज जो है वो बहुत ज्यादा पुराने ड्रामे देखते रहे हैं, इस वजह से उन्हें कुमकुम की आवाजें आ रही हैं। और अभी थोड़ी देर के बाद उसके शौहर देव की भी आवाजें आएंगी उन्हें, और फिर देवदास की भी आवाजें आएंगी। तो ये सब मजाक था, मासूम गॉसिप्स, नवाज भाई जो भी, किस नाम से पुकारूं, क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, तो खैर मेरे इसके तो साथ आप भाई पढ़ते नहीं हैं है। अपनी नेक्स्ट पिक्चर की जा रही है, नेक्स्ट पिक्चर क्या जी कहती है जी क्यों कहती है। हा, मैं इनको ऐसे नहीं कहता कि इनकी जो हंसी ठाकुर की हंसी है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट पिक्चर की जा रही है, नेक्स्ट पिक्चर क्या कहती है इनकी इनकी, हंसी के साथ ना वो सवाल आता है, कौन वो सा, कितने सवाल आता है, कितने आदमी थे, कितने आदमी आदमी थे। थे। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी पिक्चर की जा रही है, पिक्चर क्या कहती है। जितना गौर से लोग, रुक जाइए मैं जरा पिक्चर खोल के पढ़ूं। जितने गौर से लोग टकराने के बाद एक दूसरे को देखते हैं, इतने गौर से अगर पहले ही देख लेते हैं तो टक्कर ही ना होती। क्या ये सच कह बात है, रहे हैं यार, बिल्कुल पिक्चर सच बात है। ऐसा घूर के अब देखते हैं कि बस थोड़ा सा और देखेंगे और इनकी आंखें बाहर आ जाएंगी। नहीं, इतने गौर से देखते हैं कि इनके लगता है बेटी के मतलब इनके रिश्ते के लिए बेटी का हाथ मांग लिया हूँ मेरे, ऐसे देखते हैं। अच्छा, आपको देखा है किसी ने गौर से, तभी आप इतने उत्सुक के साथ कह रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, क्यों नजर कह रही है, सिर्फ एक ही मिसबा जी, आप समझ गए सिर्फ होंगे शायद एक ही। जी पहली जी क्यूट मुझसे। एंजल, क्यूट एंजल, क्यूट एंजल, वो जो है ना डायलॉग ठाकुर के लिए था, कितने आदमी थे और अच्छा जी, सिर्फ उसमें क्या है एक कि ही सिर्फ एक ही, हाँ मिसबा। वो एंजली जो काफी थी के लिए हो गया। और सीधा बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिए, हमारे लिस्टर्स बड़े एक्टिव हैं और माशाल्लाह हमारे लिस्टर्स को अल्लाह ताला इसी तरह सलामत रखे, खुश रखे। जी, सीधा बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट बिल्कुल क्वेश्चन की जानिए, बिल्कुल, आमीन आमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहती है, लड़की फोर पर, क्या आप कुंवारे हैं आदमी जी, लेकिन आप कौन। लड़की कहती, तुम्हारी बीवी आज घर आओ, तुम्हारी बीवी आज घर आओ फिर बताती हूँ। थोड़ी देर बाद दूसरी कॉल नए नंबर से आई, लड़की आप शादीशुदा हैं आदमी जी, लेकिन आप कौन। लड़की, तुम्हारी गर्लफ्रेंड, बहुत हो गए बात हो। आदमी, सॉरी बीवी, मैं समझा मेरी बीवी है। लड़की, मैं तुम्हारी बीवी ही बोल रही हूँ, बस आज तुम घर आओ, बात हो गई। या अल्लाह या अल्लाह। अल्लाह देखे, ताला ऐसी ये वाली जो बीवी बीवियां बनाते होती हैं। है ना, ये वाली जो बीवियां होती है ना, ये बहुत सक्सेसफुल रहती हैं। कसम से इनके मियाँ इतना डरते हैं कि वो दुआ पढ़ रहे होते हैं। पता है कौन सी वो कौन दुआ पढ़ते सी, रहते हैं हर वक्त, वो वर्त करते रहते हैं, कहते हैं अल्लाहुम्मा इन्नी आउज़ु बिका मिन फितनतुन्निसा, ए अल्लाह मुझे औरतों के फितने से महफूज फरमा। नहीं, अल्लाह ताला मुझे अपनी बेगम के शक से महफूज फरमा, और वो मैं नहीं, ऐसी जगह औरतों के रहूं, ऐसी फितने जगह छुप से। के रहूं कि वो झापा ना मार सके। आप जितना मर्जी छुप लें, बेगम ऐसी शे होती है वो हर जगह छापा मार देती है, और आपके अरमानों पर भी। लेकिन कुछ अल्ट्रा प्रो ऐसे होते हैं कि वो छुपे रुस्तम होते हैं, वो चुप चुप के हर काम कर लेते हैं। तो इसीलिए बढ़ते हैं अपनी शो के देख लें, खिलाफ। अब आप जो है वो मतलब दिखाना चाह रहे हैं कि कुछ अल्ट्रा प्रो लोग हैं, तो बताते चलो उन अल्ट्रा प्रो लोगों के साथ उनके अल्ट्रा प्रो पार्टनर्स भी होंगे, तो वो लोग होशियार होंगे आपके इस जुमले से। तो इसी के साथ खैर साथ इस शो के खत्म मजाक करते तो हैं कि बट हमारे मैंने कॉमेडी सीरियस शो। ले लिया।
तो क्यों एंजल कह रही है अल्लाह हुम्मा आमीन, और आप दोनों को भी थैंक यू सो मच एंजल, और कह रही है हाँ हाँ ये अल्लाह बेचारा बिल्कुल क्यों एंजल, मैं भी सोचा उसके साथ क्या हुआ होगा बेचारा क्यों एंजल कह रही बिल्कुल बेगम जिंदाबाद, ओके क्यों एंजल बेगम जिंदाबाद यहाँ पे दा बेगम जिंदाबाद। अच्छा वो पता है क्या लड़कियों की अक्सरियत ज्यादा में ज्यादा कुछ बोल भी नहीं सकता जी जी, और पता है क्या एक और चीज बल्कि मैं सोच रही हूँ कि ये नेक्स्ट सेगमेंट में जो है वो बताऊं, तो अभी के लिए मैं लेना चाहूंगी आप सबसे इजाजत क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा ओवर हो चुका है हमारे शो का, तो सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बाबा नवाज कुमकुम कुमकुम बहन को ज्यादा याद ना करें, आप लाइव आ जाइएगा इंशाल्लाह अगली बार आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, एंड एंजल अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, आप आई बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया आपके साथ, बहुत फन किया, और आसिफ हुसैन साहब आपके कमेंट्स पढ़ पढ़ के मुझे बहुत रोना आया क्योंकि आपके कमेंट्स जो हैं वो प्रॉपरली रीड नहीं कर पा रहे थे होस्ट हमारे, सो मैं चाहूँगी कि वो रीड कर लें, और बाकी सबको बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बहुत सारी नेक दुआएं सबके लिए, अल्लाह हाफिज। जी आई थिंक मैंने सारे रीड किए होंगे, क्या पता मेरा नेटवर्क इशू की वजह से फिर वो रीड नहीं हो पाए होंगे जी, तो इसी साथ कहते हैं मैं शाप को अल्लाह हाफिज, तो इसी के साथ साथ अब इस नाचिस खान साहब मुबशी हुसैन को भी दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा क्योंकि अपनों से ही आप हैं और आपसे ही अब है, बच्चों से शुक्र से हमेशा है, बड़ों का एहतराम करेंगे कि एक दिन आपको भी बड़ा बनना है अपने घर का, जब आप आज एहतराम करेंगे तो कल आपके छोटे आपका एहतराम करेंगे, तो इसके साथ साथ दीजिए इस नाचिक साक्षात को इजाजत, इस जिंदगी लिए तो इंशाल्लाह कल भी मुलाकात होगी इसी शो गॉसिप्स में 10 to 11 PM, तब तक के लिए आपको कहते हैं अल्लाह हाफ़िज़।